क्या बात है शिक्षा बहन, यहाँ क्यों खड़ी हो? विकास भैया, तुम्हारा इंतजार। तुम्हें तो पता है ना कि हमें पूरे देश में फैलना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे। हम दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ प्यार, अमन और सुख समृद्धि की दुनिया बनती है। तो फिर चलो, अब क्यों खड़ी हो? ये भरतपुर गांव वाले बुलाए तब ना। तो ये भरतपुर गांव वाले तुम्हें बुलाते क्यों नहीं? वो लोग मेरा महत्व ही नहीं जानते। तुम्हें पता है शिक्षा बहन वहाँ क्या हो रहा है? भोले भाले अनपढ़ गांव वालों को लूटा जा रहा है, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तुम्हारी बात सही है शिक्षा बहन, मैंने कल बन्नेलाल और ठेकेदार को बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे दोनों? वो कह रहे थे कि आप गांव में कब आए थे बन्नेलाल? अरे 5 साल हो गए मारे को इस गांव में आए। मगर आपके बाप दादा तो शहर में थे ना? थे, मगर वहाँ मेरा धंधा चलता नहीं था ना। क्यों? अरे भैया, वहाँ पढ़े लिखे लोगों के बीच अपनी दाल नहीं गल रही थी। ये पढ़े लिखे लोग हमारे लिए आफत हैं, आफत की पुड़िया हैं। हर चीज को उलट पुलट कर देखेंगे, 10 बार दाम पूछेंगे और थोड़ी सी गड़बड़ करने पर सरकार और कानून का डर दिखाएंगे। इसीलिए भैया मेरे, मैं तो शहर छोड़ के अठे आ गया। मगर बन्ने लाल जी। बोलो ठेकेदार जी। भाई सरकार और कानून तो यहाँ भी है। हाँ है, मगर उसका पता किसे है? यहाँ इन अनपढ़ों के बीच तो हम ही सरकार और हम ही कानून। इसीलिए तो मैं भी यहाँ ठेकेदारी करता हूँ। हाँ, जहाँ शिक्षा नहीं होती वहाँ हमारा ही राज चलता है, ठीक है ना? कैसे राक्षसों की तरह हंस रहे हैं लोग। हंसेंगे क्यों नहीं शिक्षा बहन, लोग अनपढ़ जो है। गांव वालों की तो इन लोगों ने मिट्टी पलित ही कर दी होगी। अभी तो तुमने सिर्फ बन्नेलाल और ठेकेदार को ही देखा, ऐसे और भी हैं। और कौन है? ढोंगी बाबा, धर्म के नाम पर ढोंग चलाने वाला। ये ढोंगी बाबा जैसे लोग हमारे धर्म को कलंकित करते हैं। तुम्हारी बात सही है शिक्षा बहन, मगर जहाँ अनपढ़ लोग होते हैं वहाँ ऐसे ढोंगी बाबाओं को जनता को लूटने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अनपढ़ होने की वजह से ये लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं है। विकास भैया, मुझे लगता है कि हमें इन सब के काम देखने चाहिए। तो फिर चलो जाकर देखते हैं। हाँ, जरा देखें तो सही कि ये ढोंगी बाबा लोगों को कैसे उल्लू बनाता है। चलो। मुझ पर देवी माता की कृपा है, मैं चाहूं वो कर सकता हूं। देख रहा है मेरा चमत्कार? तो देखो ये क्या है। नारियल। नारियल के अंदर क्या होता है? पानी। अब देखो मैं नारियल में से क्या निकालता हूं। ओम रेम क्लेम रेम जीम रेम क्लेम, जय काली कलकत्ते वाली। अरे बाबा, यह तो चुनरिया है। ये कोई मामूली चुनरिया है, ये माता जी की चुनरिया है।
इस गांव में माता ने यह चमत्कार दिखाया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ माता जी का मंदिर बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा महाराज, जरूर बनेगा। तो फिर धर्म के काम में हाथ बटाओ, जितना दान करोगे उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है शिक्षा, क्या हुआ? ढूंगी बाबा गांव को लूट रहा है। और गांव वाले लुटा रहे हैं, अनपढ़ लोग और करे भी क्या। लेकिन लेकिन जनता का शोषण हो रहा है। इससे भी ज्यादा शोषण होता है। आओ वो भी देख ले। तो चलो वहां जंगल में, जहाँ ठेकेदार का काम चल रहा है, जंगल की कटाई हो रही है। मगर जंगल तो गांव वालों के हैं। मगर ठेकेदार सरकार की मंजूरी से काम कर रहा है और गांव वालों को पूरी मजदूरी भी नहीं दे रहा है। देखो वहां जंगल में। वहाँ रजिस्टर में लिखा है 50 रुपए और वो ठेकेदार दे रहा है सिर्फ 5 रुपए। फिर भी लोग अंगूठा लगा रहे हैं, यही तो बात है। यही नजारा बनवेलाल की दुकान पर भी है। वो चीज तो देता है 2 रुपए की, मगर खाते में 2 बार लिखता है। देखो वहां ये शंकर की बीवी 2 रुपए का गुड़ ले गई थी, तो ये मैंने लिखे गुड़ के 2 रुपए और ये लिखा 2 रुपए का गुड़, यानी शंकर के खाते में लिखने हैं 4 रुपए। शेठ जी। हाँ शेठ जी, उधार चुकाने आई हूँ। हाँ तो चुका दो। मेरे खाते में कितने पैसे निकलते हैं? थारे खाते में जरा देखने दे। गौरी गौरी कटे गयो गौरी लो खातो। ये रहा खाता। गौरी तुम्हारे खाते में बाकी है 75 रुपए। 75 रुपए? अरे जो तुम लेती हो वही तो लिखता हूँ, घर का थोड़ी ना लिखता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें 3 किलो शहद दिया था ना, जो मैं जंगल से लाई थी। 1 हफ्ते तक जंगल में घूम फिर कर मैंने वो शहद इकट्ठा किया था, उसका क्या? उसके पैसे मैंने काटे हैं ना। कितने काटे? अरे 3 किलो शहद के 6 रुपए। बस 6 रुपए? तो क्या 60 रुपए है दूं? ला कितने पैसे लाई है? अभी फिलहाल तो 50 रुपए लाई हूँ।
50 रुपए लेके आ गए, 75 का तो उधार है। अच्छा ठीक है, लिख लेता हूँ, गौरी के खाते में जमा हुए 50, यानी अब 50 रुपए बाकी रहे। अरे जमा कर दिए? अरे 50 जमा कर दिए हैं। कंघा है क्या? कंघा ये लो कंघा। कितने का है? 10 रुपए का। अरे भाई कंघे का 10 रुपए? अरे प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है। मोड़ने पर देखो, मोड़ने पर भी नहीं टूटेगा, देखो देखो देखो। मगर दाम कुछ ज्यादा है। अरे कहा ना प्लास्टिक का है, प्लास्टिक तो बहुत महंगा होता है। अरे भाई मेरे शहद से भी महंगा क्या? अरे तेरा शहद तो पेड़ पर मिलता है ना, जंगल में। ये प्लास्टिक तो फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में, इसीलिए ये महंगा होता है, समझी? इस कंघे के लिए कितने किलो शहद देना पड़ेगा? 6 किलो। ला कंघा दे दे, 6 किलो शहद भिजवा दूंगी। कंघे के पैसे खाते में मत लिखना, और 5 रुपए के चावल दे दे। 5 रुपए के चावल की? ठीक है ले लो, ये 5 रुपए के चावल। अब तू जा, गौरी के खाते में 5 रुपए के चावल और ये चावल के 5 रुपए, कुल मिलाकर गौरी के खाते में हुए 10 रुपए। राम राम ठेकेदार जी। राम राम शंकर, कैसे हो? आपकी कृपा है। किसी काम से आए हो? वो आपसे थोड़ी सलाह लेनी है ठेकेदार जी। अरे तो लो ना, हम उसी के लिए तो है। वो बात यह है ठेकेदार जी कि हम सोच रहे हैं कि। तुम सोच रहे हो? हाँ। अरे भाई तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ज्यादा सोचने से इंसान पगला जाता है, क्यों बनने लाल जी? एकदम ठीक ठेकेदार जी। जी बात यह थी ठेकेदार साहब कि मेरा बेटा 7 साल का हो गया है। कल मास्टरनी आई थी और कह रही थी उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दूं, तो मैंने सोचा कि आपकी इस बारे में सलाह लूं। भाई पढ़ाई लिखाई कोई बुरी बात तो नहीं है, क्यों बनने लाल जी? सो तो है, पर शंकर उससे तुझे क्या फायदा? यह सोचने वाली बात है, सरकार शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है, ठीक है, मगर मैं तो कहता हूँ कि गांव वाले अगर पढ़ लिख ले तो भी क्या फायदा। तुम अपने बेटे को स्कूल भेजना चाहते हो तो भेजो, अगर तुम्हारा बेटा बहुत होशियार होगा तो शहर जाकर कॉलेज भी कर लेगा, है ना बन्ने लाल जी? हाँ सो तो है। अब सवाल यह है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद भी क्या नौकरी मिलती है? शंकर बाजू के गांव वाले रामू को जानते हो ना, उसने अपनी जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाया पर हुआ गया। कहिए ना बन्नेलाल जी, आप भी कुछ कहिए। अब क्या बताएं शंकर, वो रामू की हालत तो धोबी के गधे जैसी हो गई, न घर का न घाट का, जाने दो जाने दो। वो कैसे बन्नेलाल जी? वो ऐसे है कि बच्चा जब तक पढ़ा तब तक बच्चे ने तो कोई काम धाम किया नहीं। हाँ, और रामू ने अपनी सारी पूंजी लगा दी बच्चे की पढ़ाई पर। अब हुआ ये भैया कि पढ़ा लिखा बच्चा मजदूरी करने से शर्माता है। हाँ, और अब बुढ़ापे में भी रामू बेचारे को मजदूरी करनी पड़ती है और जवान बेटे का पेट पालना पड़ता है। यह तो हमारे सामने की बात है, अब इस पर से तू अंदाजा लगा ले कि तुझे क्या करना चाहिए। हाँ भाया, मन तो तू समझदार लागे है। भाई तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अरे मैंने सोच लिया ठेकेदार जी, मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा। ये हुई ना अक्कल वाली बात। मैं तो कहता हूँ शंकर कि तू थारा बच्चा को अभी से मजदूरी में लगा दे, अरे 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी। हाँ हाँ यह ठीक है बन्नेलाल जी, तो मैं चलता हूँ, राम राम।
कैसी सलाह दी बन्ने लाल जी? एकदम सही ठेकेदार जी, हमारे फायदे की। चलो बेटा स्कूल। हाँ हाँ चलिए चलिए। ठहरो, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। यह आप क्या कह रहे हो शंकर भैया? बापू बापू मैं पढ़ना चाहता हूँ। बेटा पढ़ने से अच्छा है तू काम कर, मेरे साथ जंगल में मजदूरी करने आ। छोड़िया पढ़ाई, अरे मैं कहता हूँ छोड़िया पार्टी पेन। चल मेरे साथ काम पर। इन्हें कोई उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। अरे विकास भैया, ये भरतपुर गांव में तो लूटमार चल रही है। शिक्षा बहन, जहां तुम नहीं हो वहां ऐसा ही हाल है। लेकिन मैं तो घर घर में जाने के लिए तैयार हूँ। मगर गांव वाले तुम्हें अपनाए तब ना, उन्हें अनपढ़ रहना मंजूर है लेकिन शिक्षा का महत्व समझकर उसे अपनाना मंजूर नहीं। ऐसा तो नहीं है विकास भैया। तो फिर हमारे यहाँ निरक्षरता क्यों है, बोलो जवाब दो। जवाब है भैया, हमें आजाद हुए 50 साल हुए, उसके पहले हम गुलाम थे। हमारे शासक हमें निरक्षर रखने में ही अपनी भलाई समझते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपने अधिकार के लिए सत्ता का तख्ता भी पलट सकते हैं। आजादी के बाद हर गांव में पाठशालाएं बनी, प्रचार प्रसार शुरू हुआ और पाठशालाओं में मास्टर लोग भी गए। और जहां जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ वहां मैं यानी कि विकास भी पहुंचा। मगर अब भी भरतपुर में निरक्षरता का राज है। अब यहाँ से निरक्षरता भी जाएगी। वो कैसे? शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी। शिव जी की तीसरी आंख? हाँ, वो देखो। असुरों, भोले भाले लोगों को सताना बंद करो। तो बंद करें, हम ताकतवर हैं और लोग कमजोर हैं, हम तो राज करेंगे इनके ऊपर। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगा। हमें भस्म करोगे?
काश हमारे पास भी तीसरी आंख होती। आप लोगों के पास भी तीसरी आंख है। यह तीसरी आंख है साक्षरता। जब आप अपनी इस तीसरी आंख को खोलेंगे तब आपके आसपास फैले शोषण के असुरों का नाश होगा। आपने हमें बुलाया शंकर भैया? हाँ बहन जी। बहन जी, हम सब ने तय किया है। क्या तय किया है? तुम शर्माती क्यों हो? अरे गौरी, इसमें शर्माने की क्या बात है? बहन जी, हम पढ़ना। लो, यह तो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा बोलने में भी शर्माती है। इस उम्र में पढ़ाई करनी पड़े, ये क्या शर्म की बात नहीं है? शर्म किस बात की गौरी? पढ़ाई लिखाई का नाता हमारे जीवन से है। हमें अगर पढ़ना लिखना आता है तो हम वक्त के साथ बेहतर ढंग से चल सकते हैं। अगर हमें दो और दो चार गिनना, लिखना और पढ़ना आता है तो कोई हमारे साथ दो और दो पांच नहीं कर पाएगा। भांजी, उस दिन आप मेरे घर पर मेरे बच्चे को लेने आई थी और मैंने आपको वापस भेज दिया था। उस वक्त मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम जानते हैं शंकर भैया कि कुछ लोग अपने मतलब के लिए आप सबको उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ लिख कर उन्हें सुलटी पट्टी सिखा देंगे। ये मोहन के खाते में 15 रुपए, 15 तो ठीक नहीं है, 25 कर लेता हूँ। मोहन के खाते में 25 रुपए। सविता 8 रुपए का तेल ले गई थी तो 8 का तेल और तेल का हुआ 8 रुपया, तो कुल हो गए 16। क्या है सेठ जी? 10 रुपए का तेल देना सेठ जी। 10 रुपए का तेल ले, ये ले तेल, खाते में लिख लो। खाते में लिखने का ही बोलती है, कोई रोकड़े में तो धंधा ही नहीं करने देता है। ठीक है, ये लिखा। जरा बही खाता तो दिखाना। बही खाता? अरे बही खाता का क्या करेगी तू? तुमने क्या लिखा है वो पढ़ना है। तू पढ़ेगी? बही खाता दे लाला। अच्छा ले, ले ये बही खाता ले। अभी मैंने क्या लिया सेठ जी? 10 रुपए का तेल, वही तो लिखा है, अगर पढ़ना आता है तो पढ़ ले। भैया, ये सेठ ने लिखा है 10 रुपए का तेल और तेल का 10 रुपया, देखा आपने? क्यों सेठ, 10 का 20 करता है तो आज तक तुमने हमें लूटा है? लूटा है, लूटा है, लूटा है, चोर है, बेवाल है, बेवाल है, बेवाल है। ले चलो बाबा के पास। पधारिए, पधारिए, पधारिए। बाबा अब चमत्कारिक हो। हाँ, हमारे ऊपर काली माता का आशीर्वाद है। तो इस नारियल में से चुनरिया निकाल के दो। इस नारियल में से? हाँ। इस नारियल में से नहीं निकल सकती। क्यों? वो तो हमारा सिद्ध किया हुआ नारियल था। यह हमारा सिद्ध किया हुआ है। अब शंकर भैया इसमें से चुनरी निकालेंगे। जय काली माता। जय हो शंकर, जय हो शंकर। तो ये सिद्धि तुमने भी हासिल कर ली। धन्य हो, धन्य हो। सिर्फ मैंने नहीं, सारे गांव वाले ने यह सिद्धि हासिल कर ली है। अब हम पढ़ने लिखने लगे हैं। ढोंगी बाबा। मैं ढोंगी? हाँ, तुम नारियल में से छेद करके ऐसी चुनरे अंदर डालते थे, फिर उस छेद को बंद कर देते थे और हमें लूटते थे। चलो हमारे साथ। कहाँ? थाने, थाने, थाने। नहीं 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 नहीं, अरे चलो, ले लो थाने। अरे अरे चलो, चलो 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 चलो, अरे मर गया रे। विकास भैया मजा आ गया। हाँ शिक्षा बहन, अब तो भरतपुर की काया पलट हो जाएगी।
क्योंकि साक्षरता तीसरी आंख की तरह आई है इस गांव में, क्योंकि अब हम दोनों वहां हैं। हाँ, जहां शिक्षा वहां विकास।